आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए 19 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करवाने के लिए विधायक मोहनलाल बडोली के घर का घेराव कर रहे हैं। इस दौरान हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि नोटिस एवं छटनी करने से आंगनवाड़ी वर्कर्स डरने वाले नहीं हैं। दमन का रास्ता छोड़कर बातचीत के माध्यम से पूर्व में किए गए समझौतों एवं घोषणाओं को लागू किया जाए, वरना आंदोलन तेज किया जाएगा जिसकी खुद हरियाणा सरकार जिम्मेदार होगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ये धरना हमारा चलता ही रहेगा। आज अगर चौक पे प्रदर्शन करने का क्या मतलब जी? आज अगर चौक पे हमें इकट्ठे हैं सारी हेल्पर वर्कर बहुत जोर तादाद में हैं और हम मोहनलाल बडोली की कोठी का घेराव करेंगे और ऐसे हम रमेश कौशिक की कोठी का घेराव करेंगे। जो भी मंत्री हैं इसमें कोई भी है पक्ष विपक्ष वाला हम सब की कोठियों का घेराव करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सेंटर के महकमे में बाल विकास विभाग में खुद केंद्र सरकार अपने विभाग में न्यूनतम वेतन लागू नहीं करिए। वहीं 2018 में ही देश के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में और पूरे देश की जनता के सामने ऑनलाइन करके आंगनवाड़ी वर्करों को दिवाली के मौके पर तोहफे के रूप में वर्कर को 1500 रुपये, हेल्पर को 750 रुपये की घोषणा की थी। और आज तक हरियाणा में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जो घोषणा है 1500 और 750 की, उसको भी लागू नहीं किया है। ये मसले हैं जो जिन पे पैंच फंसा हुआ है, जो कानूनी है मांग नहीं है, समस्या है जो हरियाणा की सरकार पैदा कर रही है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ बेटियों को नौकरी से निकालने के नोटिस दिए जा रहे हैं। आप तय किए गए समझौतों को लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार ने खुद लागू किया था, बोला था, घोषणा की थी, वो आज तक लागू नहीं किया। उन्हीं मांगों को लेकर हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पर मजबूर किया है और जब तक ये पूरी नहीं होंगी हम धरना प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे, चाहे इसके लिए महीना, दो महीने, छह महीने लग जाएं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।